नमस्कार दोस्तों। तो हमारे पास जो अभी फ़ोन है ये है वन प्लस का 6, ठीक है। इस फ़ोन में दिक्कत है कि ये डेड है, तो डीसी सप्लाई मशीन पे इसकी जो कंजप्शन है हमारा डीसी सप्लाई पे 182-183 की कंजप्शन है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपके पास आए तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और एवरीवन, हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी क्लास अवेलेबल है, ट्रेनिंग भी अवेलेबल है। आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर से। तो डिसेंबल कीजिए फ़ोन को। डिसेंबल करने के बाद आपको अपनी शील्ड को सेफ्टी तरीके से रिमूव कर लेनी है। ये फ़ोन जो है हमारे पास रिटर्न आया है कहीं से, ठीक है। तो इस पर पहले से काफ़ी सारा काम किया हुआ है, तो हम किसी भी काम को इग्नोर करके हम अपने टारगेट पे फोकस करेंगे। तो आपको अपने पीसीबी जो मदरबोर्ड है उसे पीसीबी स्टैंड में फिक्स कर लेनी है और रैम को निकालना है। रैम निकालने के लिए जो टेम्परेचर इस्तेमाल होता है 280 से 300 तक में आप इसे बाहर कर सकते हैं। स्क्रैपर ब्लेड आपकी फ्रेश होनी चाहिए और सबसे पहले हमें रैम को निकालना है। थोड़ा सा ध्यान का काम है, बारीक से करने का कोशिश करें क्योंकि हमें नीचे वाले लेयर को नुकसान नहीं देना है, हमें सिर्फ फ्रंट लेयर पे काम करना है। तो हमारा रैम बाहर आ चुका है, इसके बाद हम इसकी ग्लू को क्लीन कर लेंगे। सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर आप 300-320 रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है, नहीं तो हमारा नीचे बॉल ब्लास्ट होने का चांस रहता है और जिससे कि आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, आपको सीपीयू भी निकालना पड़ सकता है। अच्छी तरह से इसे सफाई कर लें। बाकी जो यहाँ ग्लू लगा हुआ है उसे 250 की टेम्परेचर पर रिमूव कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमारा जो बॉल है उस बॉल को हमें नुकसान नहीं देना है, क्योंकि अगर ये बॉल टूट गया तो ये हमारी प्रोसेसर के ऊपर में बॉल बनी हुई है। हैंड स्किल जरूरी है एवरीवन। हैंड स्किल आप अगर अपना फ्रेश रखेंगे तो आपका काम ईजी हो जाएगा। ये इस तरह के काम को आप 15 मिनट में आप क्लियर कर सकते हैं। वीडियो हमें थोड़ा सा फॉरवर्ड रखना पड़ता है, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो आप इसे स्लो करके भी देख सकते हैं। क्लीन हो गया। क्लीन हो जाने के बाद हम इसे डिसोल्डर वायर से सफाई कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो लेवल है वो एक शाइनी भी हो जाता है हमारा बॉल और एक लेवल में भी आ जाता है। क्लीनिंग मस्ट है, जितनी अच्छी आप सफाई करेंगे उतना बेटर रहेगा। इसके बाद हमें थोड़ा सा रिसोल्ड कर लेना है सभी पैड को फ्लक्स और पीपीडी के साथ। नेक्स्ट हम आ जाएंगे अपनी रैम पे। रैम को भी हमें सभी ग्लू को साफ करना है। डिसोल्डर वायर से क्लीन कर लेंगे। फ्लक्स पीपीडी थोड़ा सा चलाएंगे जिससे इसकी पैड की जो बहुत सारे बॉल है जो बंद रहता है वो आपके साइनिंग हो जाएंगे।
नेक्स्ट इसे रिवॉल्व कर लेना है। रिवॉल्विंग के लिए ड्राई पीपीटी का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो बॉल है वो एक बार में फ्रेश बन जाए, ताकि बॉल बाहर ना आए अंदर से हिट लगने पे। इसके बाद सीपीयू को हम क्लीन कर लेंगे, जिससे क्या होगा सीपीयू की जो कनेक्टिविटी और रैम की जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर बनेगा। फ्लक्स हम एक ज़रूरत के अनुसार से ही देंगे, बहुत ज़्यादा फ्लक्स देने की ज़रूरत नहीं है। क्लीनिंग और बॉल की परफेक्ट दोनों ज़रूरी है। अब इसे अलाइनमेंट करके 280 या 300 पे आप इसे फिक्स कर सकते हैं। और एवरीवन, आप लोगों से हमेशा हमारा गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी तक पहुंच पाए वीडियो। आप लोग देख करके छोड़ देते हैं तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसा रहा वीडियो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लाता रहूं। हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग भी अवेलेबल है जो कि मिनिमम प्राइस में आप सीख सकते हैं। अगर आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, लेटेस्ट टेक्निक ट्रिक सीखना चाहते हैं कि न्यू अभी क्या चल रहा है हमारे फ़ोन सर्किट में, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी आपके क्लास के दरमियान। ठीक है, फ़ोन हमारा चालू हो चुका है, ठीक है, वर्किंग है। तो एवरीवन, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।